गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल बोन वेज। आज हम लाए हैं अपने दोस्तों के लिए एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने दोस्त लोगों को दिखाएंगे कि हमारा बर्मिंघम सिटी सेंटर कैसा दिखता है। इस वीडियो में हम आपको फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट और बर्मिंघम टाउन बिल्डिंग्स दिखाएंगे। अगर आप रेडी हैं हमारे लिए ये बर्मिंघम टाउन सेंटर एक्सप्लोर करने के लिए, तो चले देखते हैं आज की वीडियो। तो भाई लोगों, अभी हम पहुंच गए हैं बर्मिंघम सिटी सेंटर में। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है यहाँ का टाउन हॉल। इधर सब लोकल काउंसिल्स इधर बैठती हैं और बर्मिंघम के सारे लोकल रूल्स बनाती हैं। इसके बिल्कुल लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये है यहाँ का आर्ट म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी। इधर वर्ल्ड वाइड से सब कलेक्शन आती हैं आर्ट्स की एंड एवरीथिंग। अभी ये यहाँ पर वायरस है एट द मोमेंट और लॉकडाउन है, तो ये आर्ट गैलरी बंद कर दी गई है। और इसलिए आप देख सकते हो कि मेरे पीछे पब्लिक भी बिल्कुल नहीं है, सब अपने घरों में बैठे हैं बच के। लेकिन हमें तो अपने व्यूअर्स का ख्याल होता है, इसलिए उनके लिए वीडियो बनाने के लिए रिस्क लेके निकल पड़ते हैं। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है वहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस। आगे चलते हुए ये देखें, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स आ रही हैं हमारे सामने। लोग कम हैं लेकिन कम लोगों में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें। सर्दी भी बहुत है लेकिन इस सर्दी में इंजॉय करने का मज़ा बहुत है। ये रहे स्कूटर भाई, देख लो यहाँ पे स्कूटर भी अवेलेबल है। हमारा देश होता तो इस टाइम स्कूटर उठा के लोग भाग गए होते। बिल्डिंग्स काफी अच्छी हैं। ये शॉपिंग मॉल है, थोड़ा सा बिल्डिंग वर्क भी चल रहा है और ये शॉपिंग भी खुली हैं। ओनली फॉर कलेक्शन, मोस्टली बिजनेस क्लोज्ड है, जैसा कि ये वाला फॉर एग्जांपल। क्लिक एंड कलेक्ट लोग करवा रहे हैं। ये रही अमीरों की बिल्डिंग, यानी कि एप्पल स्टोर, काफी बड़ा है अंदर से। इसके सामने बिल्कुल रहा बैंक। ये रहा यहाँ का न्यू स्ट्रीट स्टेशन और ये मेट्रो लाइन। अभी थोड़ी अर्ली मॉर्निंग है इसलिए टाउन मोस्टली क्वाइट है। तो भाई लोगों, ये हम पहुंच गए हैं यहाँ के मेन टाउन सेंटर में। यहाँ से काफ़ी रास्ते जाते हैं और इधर शॉपिंग सेंटर हैं। एक हमारे पीछे है, एक बिल्कुल इस तरफ है और एक इस तरफ है। यहाँ पे सब शॉपिंग सेंटर हैं और ये कहने यहाँ का मेन पार्ट है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, द एंग्री रेड बुल। बर्मिंघम का टूर पूरा नहीं होता जब तक लोग यहाँ पर आके इस बुल के साथ पिक्चर नहीं ले लेते। शुक्र है वायरस की वजह से हमें जगह मिल गई आज के हम अपनी इस एरिया में वीडियो बना सकें। तो ये है यहाँ का, आप जैसे देख सकते हो, टाउन सेंटर, शॉपिंग एरिया, सब शॉपिंग वगैरह इस एरिया में है। तो हो गया हमारा शॉपिंग सेंटर का विजिट। अभी चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं फिश मार्केट की तरफ। अगर देखेंगे कि अगर वो खुली हुई हो तो हम आपको फिश मार्केट भी दिखाएंगे और यहाँ की फ्रूट मार्केट भी दिखाएंगे, जो कि सस्ते रेट पे फ्रूट मिल जाता है लोकल शॉप्स के कंपेयर करने पर। तो चले आगे चलते हैं और हम बाकी की मार्केट्स देखते हैं। भाई हम आगे हैं इंडोर मार्केट में। हमारे सामने है फिश वाली शॉप। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सी लाइफ में आ गए हों। काफ़ी अजीब सी स्मेल है बट अच्छी भी है। चले देखते हैं इनकी फ़िश कैसे होती है।
थी यहाँ की फ़िश मार्केट। आज पहली दफ़ा फ़िश मार्केट में आके पता चला कि क्यों हमारे क्लास में टीचर लोग बोलते थे कि ये मच्छी मंडी है क्या। जितना यहाँ पे शोर होता है, जितना यहाँ पे आवाज़ें लगाते हैं और टकाटक की आवाज़ें आती हैं, तो पता लग गया कि फ़िश मार्केट एक्चुअली होती क्या है। इस फ़िश मार्केट में हर किस्म की फ़िश अवेलेबल है और आपको वर्ल्ड वाइड फ़िश कलेक्शन मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ और रिकॉर्ड करेंगे फ्रूट मार्केट। चलो देखते हैं यहाँ की अब फ्रूट मार्केट। हेलो ब्रदर, कैसे हो भाईजान? बिल्कुल ठीक हो यार, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका ये बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह, जो गुजर जाए वही अच्छा है। अच्छा, वायरस में, कोरोना वायरस में ठीक चल रहा है? नहीं, एक्चुअली वायरस की वजह से तो हमें काफी प्रॉब्लम है जी। यहाँ पे यही समझ लें, हमने अपना 90% बिजनेस जो है वो लूज किया है। 90% तो इस सर्दी में आप खड़े रहते हो, कर लेते हो? मेरे को तो कपड़े पहने any boiler one pack, nice and fresh. Thank you. How much is that, sir? This is cost you £4, please. This is £4 for me, brother. Okay. Don't worry, you take £5 and have the rest for me. It's okay. Your tip. Thank you. No Thank problem. You. Have a nice day. तो भाई लोगों, ये थी हमारी वीडियो आज की बर्मिंघम टाउन सेंटर की। तो बताइएगा जरूर आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। हमने भी अपने ले लिए है काफी फ्रूट और हम चले अपने घर को। आप भी खाएं फ्रूट और फ्रूट खाते हुए बताएं कि ये टाउन सेंटर आपको कैसा लगा। हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कम्युनिकेशन रखिएगा। तब तक हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिएगा इजाज़त। सी यू नेक्स्ट टाइम।